गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग शिवम, सागर तीर्था, डीकेवी, मुकेश एंड ऑल. वी आर लाइव, यू आर वॉचिंग करियर पॉइंट जेई और मैं शैलेंद्र महेश्वरी शुरू करने जा रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर. हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के अब तक 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 6th लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. यस सागर तीर्था, वी आर लाइव. एंड कल हमने ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी डिस्कस किया था एंड आई एम श्योर आपने उसका अच्छा प्रैक्टिस किया होगा. आपको क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे और आज की क्लास में हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे. राइट, हेलो जतिन, लेट्स स्टार्ट. जतिन एंड सागर तीर्था एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज तक हम बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बहुत सारे लेक्चर्स पूरे करके हमने उस चैप्टर को पूरा किया था. वो सारे लेक्चर्स अभी अवेलेबल हैं. कल हम एक मेगा क्लास करने जा रहे हैं जिसमें हम जेई मेन, जेई एडवांस और अच्छे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. अभिषेक गुड इवनिंग, के जतिन जस्ट वेट, ये प्रॉपर्टी अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. दैट्स अ फैंटास्टिक प्रॉपर्टी, अ वेरी वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी. डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी अभी तक हम बहुत सारा काम कर चुके हैं. ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी पर मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क में, लेकिन आज थोड़ा सा हम ट्विस्ट रख रहे हैं लेक्चर में. हम आज उन क्वेश्चंस को पिक नहीं कर रहे हैं, बट आई एम श्योर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे. मैं आज जो प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ उस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले सालों में आए हैं और हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को समझने के लिए, उस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन समझने के लिए एक सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे. इसलिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए. इसलिए आज की क्लास में लास्ट क्लास का होमवर्क मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं और आज हम नई प्रॉपर्टी से, इसी चैप्टर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी से शुरू कर रहे हैं अपने लेक्चर को. सागर तीर्था, टुमोरोज क्लास इज एट 11 इन द मॉर्निंग. वो हमारी लाइव क्लास है और वो बेसिकली मेगा क्लास है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस के लिए. उस क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे. कल मॉर्निंग के क्लास में हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस. राइट, वो चैप्टर पूरा रिवाइज आप कीजिएगा. पूरा चैप्टर हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. उस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप पढ़िए और कल के क्लास में पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आइए और हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बहुत जम के प्रैक्टिस कल करने वाले हैं. गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग भरत, शिवम एंड पंकज, सो पुनीत, नमस्कार. सो लेट्स स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. राइट डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, देखने में बहुत आसान सी लगती है. दिस इज 7th प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज 0 टू a एफ एक्स डी एक्स. दैट मीन्स कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स 0 टू a में इंटीग्रेट किया जा रहा है तो ये 0 टू a में ही सेम लिमिट में, लेकिन उसका लिमिट चेंज हो जाता है, उसका फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो जाता है एंड दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल दे आर सेम. राइट, सो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स. राइट, यही प्रॉपर्टी को मैं जनरलाइज अगर कर दूं तो ये बन जाता है a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी. ओके, और इस प्रॉपर्टी में मुकेश आपने जो क्वेश्चंस के लिए कहा है वो क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में जो प्रॉपर्टी कवर होगी, मंडे को हम एक नई प्रॉपर्टी लेंगे उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं. तो आप मंडे तक रुकिए, मंडे को वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. राइट, अब वापस से इस प्रॉपर्टी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. दिस इज अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी. दिस इज 0 टू a एफ एक्स डी एक्स. वी आर इंटीग्रेटिंग अ फंक्शन विद इन 0 टू a लिमिट एंड द रिजल्ट इज इक्विवेलेंट टू विद इन द सेम लिमिट f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स. यानी लिमिट दोनों तरफ सेम है, फंक्शन एफ एक्स तो यहां पर a माइनस एफ एक्स. वॉट इज a? इट इज अपर लिमिट एंड 0 इट इज लोअर लिमिट. राइट, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं a प्लस बी एफ एक्स डी एक्स, इट इज ए प्लस बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. ओके, इसका मतलब यह हुआ कि अगर एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है तो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट के सम माइनस एक्स से एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं. ए प्लस बी माइनस एक्स से हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया और यह नया फंक्शन बन गया. इस इंटीग्रल का रिजल्ट और इस इंटीग्रल का रिजल्ट सेम है. इज दिस क्लियर? अरे बात समझ में? सागर तीर्था आप पूछ रहे हैं विल यू प्रूव दिस प्रॉपर्टी? यस डेफिनेटली विल प्रूव एंड दिस प्रॉपर्टी कैन इजीली बी प्रूवन. आप इस प्रॉपर्टी को समझिएगा, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है. हम अगर इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स.
हियर दिस फंक्शन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म, इसका प्रूफ समझिएगा। तो सिंपल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अप्लाई कर दिया जाए, लेट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस टी, सो इट बिकम्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, एंड दैट इज वाई दिस इंटीग्रल अपियर्स एज एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा ए प्लस बी माइनस टी, डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी, एंड दिस इज लोअर लिमिट इज ए, राइट, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू हो जाएगा बी, टी का वैल्यू हो जाएगा बी, एंड व्हेन एक्स इक्वल्स टू बी टी का वैल्यू हो जाएगा ए। चेंज ऑफ साइन लिमिट हम पढ़ चुके हैं, चेंज ऑफ साइन लिमिट से चेंज ऑफ यहां पर जो साइन है माइनस, ये प्रॉपर्टी हम चेंज कर देंगे और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लिमिट्स में जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। सो दिस इज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी से हम इसे फिर से ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यहां पर टी डी टी की जगह हम एक्स डी एक्स कर सकते हैं। सो हियर इट इज इक्विवेलेंट टू दिस साइड, सो इन दिस मैनर वी कैन इजिली प्रूव इट। गुड इवनिंग हमद, और इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये मैंने इसका जनरल केस लेकर इसको प्रूव कर दिया। अब अगर मान लीजिए ये वाला जो केस था, ये केस हमें प्रूव करना हो तो ये बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है, राइट। जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, हमें क्या करना होगा, द सेम थिंग, वी विल पुट एक्स इक्वल्स टू ए माइनस टी, ओके, इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से पिक करेंगे, और यहां भी हमने लेफ्ट हैंड साइड से ही इसको पिक किया है और x को a प्लस बी माइनस टी से लिया, एंड आई थिंक यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन योर सेल्फ। गुड इवनिंग हम अभिनव, तो हम इस तरीके से x इक्वल्स टू ए माइनस टी, द सेम अप्रोच विच यू हैव फॉलोड ओवर हियर, यू कैन इजिली अप्लाई द सेम लिमिट ओवर हियर एंड यू कैन गेट द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, इनफैक्ट ये दो नहीं है, ये एक ही प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम कुछ रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे एक ये एग्जाम्पल है। फाइनली दिस एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्मूला, ओके, मैनी क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और हर साल जेई मेन में और जेई एडवांस में इस प्रॉपर्टी पर ऑलमोस्ट हर दूसरे साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा ही मिलेगा, हम अभी देखने वाले हैं उस तरह के क्वेश्चन, ओके। सो लेट अस मूव फास्ट, हम ये एक दिया हुआ है फंक्शन, मैं यहां पर वापस से यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर ये जो आई है ये लिखा जा सकता है लोअर लिमिट इज जीरो अपर लिमिट इज ए, तो मैं x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं एंड देर वॉन्ट बी एनी इफेक्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन, तो x की जगह पर a माइनस एक्स कर दिया जाए, इट बिकम्स दिस, डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स, x की जगह आएगा a माइनस एक्स, राइट, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस f ऑफ a माइनस एक्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज जीरो टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स। नाउ जस्ट लुक एट द गिवन इंटीग्रल, हमने इस इंटीग्रल में उस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं न्यूमिरेटर में डिफरेंस है, तो मैं काम करता हूं इस गिवन इंटीग्रल को और ये जो रिजल्ट हमने निकाला है हम इन दोनों को एड कर देते हैं, एड वन एंड टू, तो मुझे लेफ्ट साइड में तो मिलेगा टू आई, राइट साइड में मिलेगा जीरो टू ए एफ ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है, और अब यहां पर मैं कंप्लीटली इसको कैंसिल कर दूंगा, तो आप जरा ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन हमें फाइनली किसका करना रहा, नाउ वी आर सिंपली इंटीग्रेटिंग वन ओनली विद इन जीरो टू ए, 0 टू a में 1 को इंटीग्रेट करना है, और 0 टू a में 1 का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, इट इज x 0 टू a, व्हेन आई पुट x दिस गिव्स मी फाइनली a, राइट, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 2i का रिजल्ट है a, है ना, इसका मतलब i का रिजल्ट क्या होगा a बाय 2, सो दिस बिकम्स माय फाइनल आंसर एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से बहुत आसानी से इस प्रॉपर्टी से मैनेज कर लिया, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, ओके, सो दिस 2i इक्वल्स टू a एंड दैट इज व्हाई i इक्वल्स टू a बाय 2,
कोई भी कंफ्यूजन राइट? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर एक मिस्टेक हो जाती है, स्टूडेंट्स कई बार ये गलती कर देते हैं, 2i निकाला, आंसर ए आया, चार ऑप्शंस में देखा, ए ही निकाल दिया और उसी से आपने काम कर दिया। गुड इवनिंग अमन, एंड नाउ जस्ट कम टू द बोर्ड और इसको ध्यान से देखिए, हम आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं और उसको सॉल्व कीजिए। सो आई इक्वल्स टू ए बाई टू। अब अगर मैं इस एक और एग्जाम्पल में इसी पैटर्न पर ले रहा हूं, एंड दिस इज नथिंग बट द सेम वन, वापस से हम सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ओके? अगर इसी प्रॉपर्टी को यूज किया जाए, यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी, ओके, तो ये आई क्या बन जाएगा, ए टू बी, लिमिट्स विल बी सेम, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स। सो हियर इट विल बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इन द डिनोमिनेटर यहां पर मैं डालूंगा ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, राइट? सो हियर इट विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। सेम स्टेप्स के साथ हम इनको फॉलो कर रहे हैं और इन दोनों को एड कर दीजिए, एड दीज बोथ, सो दिस टू आई बिकम्स ए टू बी 1 dx। ध्यान से देखिए, दोनों डिनोमिनेटर सेम है एंड इन द न्यूमेरेटर हियर इट इज f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स एंड दिस इज fx, दोनों को ऐड कर दूंगा, इफेक्टिवली द रिजल्ट इज 1, राइट? तो ये रिजल्ट मुझे फाइनली इंटीग्रेशन का x मिलता है एंड विद इन a टू b एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी b माइनस a, बट अगेन दिस इज द रिजल्ट ऑफ 2i, सो फाइनली i विल बी रिटन एज b माइनस a बाय 2। यस अभिषेक एंड सागर तीर्था, यू बोथ आर करेक्ट, द रिजल्ट इज b माइनस a बाय 2। आगे बात समझ में अच्छे से? सो उपेंद्र, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ, टू यू ऑल्सो? मुकेश, इट्स नॉट ए बाई टू, इट इज बी माइनस ए बाई टू। हमद, इट इज नॉट ए बाई टू, इट इज बी माइनस ए बाई टू, ए बाई टू इज द आंसर इन दिस केस एंड हियर इट इज बी माइनस ए बाई टू। तो ये जो दो रिजल्ट हमने निकाले हैं, ये दोनों रिजल्ट इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं और ये दो रिजल्ट इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि हम इन्हें फॉर्मूले की तरह से याद रखते हैं। डीके वी, हैव यू गॉट इट? सुचेता, हैव यू गॉट इट? तो इन दोनों रिजल्ट को हम एक फॉर्मूले की शेप दे देंगे और इन दोनों रिजल्ट को एक फॉर्मूले की तरह से याद रखेंगे। ये निकल के कहां से आ रहे हैं? वही प्रॉपर्टी जो अभी हमने डिस्कस की है, ओके? सो रिमेंबर दीज टू रिजल्ट्स एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पर बेस्ड कई बार इस एग्जाम में, जेई मेन में, जेई एडवांस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रॉपर्टी वही है जो अभी हमने डिस्कस की थी। कौन सी प्रॉपर्टी है जरा वापस देखते हैं एक बार। ये प्रॉपर्टी जो अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस करी है, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करके 0 टू fx अपॉन f ऑफ a माइनस x प्लस fx रिजल्ट आया a बाई 2, fx upon f of a plus b minus x plus fx equals to b minus a by 2। इन दोनों का जो प्रूफ है, प्रूफ बहुत आसान है, लेकिन मैंने इंटेंशनली आपको यहां पर प्रूफ बताया। क्यों बताया प्रूफ? मैंने आपको इसलिए बताया कि जो प्रूफ की स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हमारे कई क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहती हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं जहां पर हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। और उन स्टेप्स में क्या खास बात थी कि हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर सेम रहा और जो नया रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हमने पुराने रिजल्ट के साथ ऐड कर दिया, ओके? और दोनों को ऐड करके एक नया रिजल्ट बनाया और उस रिजल्ट से हमने ये फाइनली आंसर निकाला। और जेई मेन में, जेई एडवांस में हर दूसरे साल आपको इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना? अब बात आती है कि यह प्रॉपर्टी हेल्पफुल कहां है, ये प्रॉपर्टी हेल्पफुल कहां है, ये बात समझिए। अभी मैं आपको डिस्क्लोज करता हूं कि हम आगे काम कैसे करने वाले हैं। उपेंद्र, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये प्रॉपर्टी का जो डेरिवेशन है, यही इसकी सबसे खास बात है, यही इसकी ब्यूटी है। ये प्रॉपर्टी हेल्पफुल होती है उन सिचुएशंस में जब प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, व्हेन आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जब डिनोमिनेटर अनचेंज्ड रहे, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आए और न्यूमिरेटर सेम रहे, न्यूमिरेटर में कोई चेंज आ जाता है लेकिन डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो उनको ऐड करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में यह प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेयर दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू हेल्प यू, ओके? दूसरी चीज, जब भी फंक्शन आपको इस पैटर्न में नजर आता है, ध्यान से देखिएगा, जब भी फंक्शन आपको x इंटू एफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, एक्स माइनस अल्फा इंटू एफ एक्स, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स, अल्फा मीन्स एनी कॉन्स्टेंट, है ना, जब भी फंक्शन इस पैटर्न का हो, आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए।
ठीक है, जब भी फंक्शन में डिनोमिनेटर सेम रहे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। तो ये वो दो एरियाज हैं जिन एरियाज में ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में जहां पर आपको ये पता ही नहीं चलता कि हमें आगे बढ़ना कैसे। यानी जब आप हर तरीके से क्वेश्चन मैनेज करने की कोशिश करें बट इफ यू डोंट फाइंड एनी वे, व्हेनेवर यू डोंट फाइंड एनी वे टू मूव फर्दर इन द क्वेश्चन, जस्ट ट्राई दिस प्रॉपर्टी। यानी आगे के रास्ते आपको बंद नजर आए, आपको ऐसा लगे कि ऐसा क्वेश्चन में मैनेज नहीं हो पा रहा है किसी तरह से, तो आप उस जगह पर यह प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। यानी जब कुछ समझ में नहीं आए तो इस प्रॉपर्टी को आजमाएं, है ना। 100% गारंटी है कि आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिलेगा। इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, इट इज सच अ यूजफुल प्रॉपर्टी। और इसका एप्लीकेशन बताता हूं डियर स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हर दूसरे साल आपको इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट उन्हीं दो फॉर्मूले पर बेस्ड हैं जो अभी अभी हमने देखे थे। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि यह फॉर्मूला लगेगा और आप क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को जो हमने इसी प्रॉपर्टी से डेवलप किया है उस प्रॉपर्टी से अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां आपको कोई स्टार्ट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन यह प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। राइट, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो अगेन आई एम गिविंग द हाईलाइट ऑफ द प्रॉपर्टी, सो यूज दिस प्रॉपर्टी एज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी को यूज कीजिए। ये इसका पर्टिकुलर केस है, ये इसका जनरल फॉर्म है, a टू b एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स कर दिया जाए, फंक्शन में कोई चेंज आता है या नहीं आता, लेकिन x को आप a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये दोनों रिजल्ट सेम होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पर हर साल या हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है, जिसका आपको कोई ना कोई तरीका आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए जब इसको अप्लाई करते हैं तो आगे का रास्ता खुल जाता है, इट इज सच एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लेकिन इस प्रॉपर्टी का कोई नाम ही नहीं है, है ना। जैसे हमने लास्ट क्लास में ब्रेक पॉइंट प्रॉपर्टी पढ़ा, हमने चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी पढ़ा, है ना, हमने चेंज ऑफ साइन या चेंज ऑफ लिमिट प्रॉपर्टी पढ़ा, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका कोई नाम ही नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस प्रॉपर्टी का नाम हम दे देते हैं, हम इसका नामकरण कर देते हैं, ये इस चैप्टर का किंग है, किंग। तो ये इस प्रॉपर्टी का मैं नाम देता हूं बच्चों, आप इस प्रॉपर्टी को याद रखिए, दिस इज किंग प्रॉपर्टी। जब कुछ भी नहीं हो तो आप किंग आजमाइए, आपको कोई ना कोई तरीका उस क्वेश्चन में सॉल्व करने का जरूर मिल जाएगा। आप इस प्रॉपर्टी से आगे बढ़िए उस क्वेश्चन को लेकर। सो दिस इज द किंग प्रॉपर्टी, इट इज सच एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दिस कि ये आपके कई सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से मैनेज कर देगी। जहां आपको आगे बढ़ने का कोई तरीका ही नहीं मिलेगा, आपको बहुत आसानी से यहां किसी न किसी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का रास्ता मिल जाएगा। दिस इज रियली द किंग ऑफ द चैप्टर, है ना। ये प्रॉपर्टी पिछले कई सालों से मैं किंग नाम से ही पढ़ा रहा हूं जबकि इसका कोई नाम नहीं है, एंड सरप्राइजिंगली एवरीवेयर नाउ दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग नोन एज किंग प्रॉपर्टी। ओके, तो ये वाकई में राजा है इस चैप्टर का। होता है ना, जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो राजा की शरण में चलना चाहिए, राजा ही पार लगाएगा, वही कुछ ना कुछ करेगा। सो इट इज द किंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी, राइट, दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूं और जल्दी से हम मेंस और एडवांस के क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए जल्दी से अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार जेई मेन में और एडवांस में पूछा गया है विथ सम स्लाइट चेंज, विथ सम स्लाइट मॉडिफिकेशन। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, जस्ट राइट द आंसर। मुकेश, अभिषेक, सुचेता, सागर तीर्था, हमद, सार्थक, शिवम, यस सुमित, जस्ट राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। यस, इट इज 5/4, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही तरीका है, क्या, 0 to π/2 अंडर रूट साइन, अंडर रूट कॉस, अंडर रूट कॉस। नाउ जस्ट फॉर अ मिनट थिंक ऑफ इट कि अगर ये लिमिट्स नहीं होती तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता तो पूरा दिमाग घूम जाता, है ना। लेकिन फॉर्चुनेटली लिमिट्स हैं, 0 to π/2 लिमिट्स हैं। अगर मैं किंग अप्लाई कर देता हूं यूजिंग किंग, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया तो एक्स को पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, ये कॉस एक्स बन जाएगा, ये साइन एक्स बन जाएगा, दिस इज आई, ये बन जाता है 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स
साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इज कॉस एक्स एंड दिस इज ऑल्सो आई, इन दोनों को एड कर दीजिए, टू आई, टू आई का रिजल्ट हो गया जीरो टू पाई बाई टू वन डी एक्स एंड ऑन इंटीग्रेशन दिस इज गिविंग यू पाई बाई टू। लेकिन ध्यान रखिए किंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें मेजॉरिटी क्वेश्चन में ये एड करना पड़ता है, बट इट्स नॉट अ रूल, एड करना पड़ता है। लेकिन एड करने के बाद रिजल्ट जो आता है वो टू आई का होता है, आई का नहीं होता, इसलिए फाइनली आपको टू से डिवाइड करने का ध्यान रखना है, अदरवाइज यू कमिट अ मिस्टेक एंड यू लूज योर मार्क्स। तो ये पाई बाई फोर आपका आंसर हो गया। ये तो मैंने वो प्रोसीजर अप्लाई किया जिस प्रोसीजर से हमने ये फॉर्मूला निकाल रखा है। तो अगर हमें ये फॉर्मूला याद है, और इनफैक्ट अब तक तो याद है सबको, तो हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट सिचुएशन यहां पर अप्लाई हो रही है जीरो टू पाई बाय टू एंड डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला वी कैन से दैट आई इक्वल्स टू पाई बाय टू अपॉन टू, इट इज पाई बाय फोर, सो डायरेक्टली वी कैन गेट इट। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन जेई मेन में, जेई एडवांस में कई बार आया है। कभी यहां एक्स की पावर 2n दे दी गई है, कभी यहां एक्स की पावर पाई दे कुछ और दे दी गई है, 3 दे दी गई है, और अलग अलग पावर्स के साथ इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। एंड इट बिकम्स अ सच अ गुड क्वेश्चन, राइट, एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना देती है। ओके, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन और जल्दी से इसका आंसर बताइए। यस बिल्कुल सही है मुकेश, अगर न्यूमेरेटर में कॉस है तो एक ही बात हो गया, आपने देखा नहीं शायद, ये कॉस है, नीचे साइन एक्स आ गया, यहां साइन एक्स होता है यहां कॉस होता, तो हम इस तरीके से काम कर लेंगे, एक ही बात रहेगी। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। यस सागर तीर्थ, आई एम गोइंग टू कवर जेई एडवांस प्रॉब्लम्स ऑल्सो, और अभी अभी जो क्वेश्चन हमने किया वो भी जेई एडवांस में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं ये भी जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर एक बार 9 देके पूछा हुआ था, एक बार 13 देकर पूछा हुआ था, इस तरह से अलग अलग डेटा के साथ ये क्वेश्चन 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इट इज इररिलेवेंट टू डिस्कस अबाउट द ईयर की ये कब पूछा गया, बट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ओके, सो वी आर जस्ट बिगनिंग विद द प्रॉपर्टी, और अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम इसके और फर्दर एप्लीकेशंस लेते जाएंगे। 3/2, यस, ओके, यूजिंग द फॉर्मुला डायरेक्टली हम इसको डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई करके कर सकते हैं। ये किंग प्रॉपर्टी हो गया 5+2, और यहां पर ये वाला सिचुएशन बनता है, हमारा आंसर हो जाएगा 5-2/2, सो दिस इज 3/2, एंड डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज सच अ सिंपल प्रॉपर्टी, इट इज सच एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन जेई मेन 2016 में पूछा गया था। हियर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जेई मेन 2016 का क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। यस शिवम, यस शिवम, एब्सोल्युटली करेक्ट, विल यूज किंग प्रॉपर्टी। अभिषेक, मेक इट प्रॉपरली एंड गेट द आंसर क्विकली। Yes, be fast. Yes, absolutely correct. You all are correct. A is the correct answer here. This is the same profile actually. लिखने का तरीका हमारा हो जाएगा 4 to 10 greatest integer x square dx upon greatest integer of 14-x2+ greatest integer of x square dx. Okay, and using king, this I is being written as 10-4/2. This is 3. So using that formula, we can easily get it. And this was the question asked in 2016, just 2 years back. Okay, 17, 18, 19, 3 years back, ये question पूछा गया था. Okay. Let's move on to the next question. 0 to pi by 2 ln tan x. करिए जल्दी से इसको सॉल्व। मेक इट क्विकली। समीर, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, फ्रॉम देयर यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल। जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है वीडियो का उसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द स्टडी मटीरियल।
नो हमद, यस हर्षित, यस बी क्विक, यस जीरो इज द करेक्ट आंसर, राइट। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अभी तक दो क्लास पहले तक जब तक हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं की थी तब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके सॉल्व करते थे और हम बाई पार्ट्स मैथड, पार्शियल फ्रैक्शन मैथड, सब्स्टिट्यूशन मैथड, इन सब पर फोकस करते थे। लेकिन अब हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। यस मुकेश, जीरो इज द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या करना होगा, तुरंत प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है। हम यहां प्रॉपर्टी लगाएं, एंड किंग इज द मोस्ट सुटेबल प्रॉपर्टी यूजिंग किंग। So this I can be written as 0 to pi by 2 ln cot x, x को pi by 2 minus x कर दिया। ओके, हम क्या करते हैं, एड कर देते हैं, 2i का रिजल्ट हो जाएगा 0 to pi by 2 ln tan x plus ln cot x dx and this becomes 0 to pi by 2 ln 1 dx means 0, 2i का आंसर 0 है, ln 1 is 0 and that is why finally answer is 0. Is this clear to everybody? हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम add नहीं करें तो जो ln cot x है इसको tan x में भी convert कर सकते हैं। So it is not always necessary कि आपको add करना ही हो। This can be written as 0 to pi by 2 ln cot x which further can be written as 0 to pi by 2 ln tan x with negative sign means this becomes minus i, so 2i equals to 0 and from here we can get the result i equals to 0. Okay, तो इस तरीके से भी इस question को manage किया जा सकता है। We started with ln tan x 0 to pi by 2 ln tan x and that is i, तो i becomes equal to minus i और i का answer आ गया। Okay, इस तरीके से हम manage कर सकते हैं। Anyways, let's move on to the next question, 0 to pi by 4 ln 1 plus tan x. Yes, Hamad, ln 1 equals to 0. Be quick. I'm waiting for your answers. Harshit, zero, no, zero is not the correct answer, Harshit. Yes, come up again, try the question again, Harshit, jaldi karein. Dekhiye, agar ye ordinary integration hota, तो हमारे सामने यहां एक ही चॉइस होती, हम बाईपार्ट्स लगाते और आगे कुछ और सोचते रहते, but now we will use property and king. जहां मैंने आपसे कहा ना कि आपको जब क्वेश्चन में कोई तरीका समझ में नहीं आए आप किंग प्रॉपर्टी लगा दीजिए, है ना। किंग प्रॉपर्टी लगा देने से ये क्या बन जाएगा, दिस इज 0 टू पाई बाय 4 ln 1 प्लस टैन एक्स, दैट विल बी टैन पाई बाय 4 माइनस एक्स डीएक्स, ऐसा ही होगा। इसे हम दोबारा से लिखेंगे 0 टू पाई बाय 4 ln 1 plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x dx, ठीक है। Further we will simplify, so this I is written as 0 to pi by 4 ln, LCM ले लिया, 1 plus tan x, 1 minus tan x, so in the numerator we will be getting 2 and in the denominator it is simply 1 plus tan x dx. Yes, yes Shivam, so this becomes 0 to pi by 4 ln 2 minus ln 1 plus tan x dx, integration of ln 2
ln 2 into x, 0 to pi by 4, is this clear? तो ये बन जाएगा x within 0 to pi by 4 minus, and this is same as I, 0 to pi by 4 minus ln 1 plus tan x. So finally this becomes I, and this is, here this is 2i, and this is pi by 4 ln 2. So that is why I is 1 by 8 ln 2, and this is your final answer, 1 by 8 ln 2. Is it clear to everybody? Have you got it now? Right? So King property itna useful hai. Right? Abhishek, your doubt is clear now. Right? And Shivam, have you got your answer clear? Aapne answer mein jo mistake kiya tha, wo samajh mein aa gaya. This is pi by 8 ln 2. So any confusion to anybody? Right? Rishi, is it clear to you also? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को मैनेज कर लेंगे. सो वी स्टार्टेड विद द सिंपल क्वेश्चन एंड हमने अप्लाई किया किंग प्रॉपर्टी एंड फाइनली 2i बिकम्स इक्वल टू पाई बाई 4 ln 2 और i का रिजल्ट हमें पाई बाई 8 ln 2 मिल गया. इस तरीके से मैनेज करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, एंड फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू टाइम लिमिट ऑफ 1 मिनट. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. करिए जल्दी से. बी क्विक. Twenty-five seconds are left. Yes, Abhishek. Last 5 seconds. Pi square by 2. I got the answer from DKV. The first answer comes from DKV. I'm waiting for just for a few more seconds. DKV, you did the same mistake. It's not pi square by 2, it's pi square by 4. 2i ka result hai pi square by 2. Aapne 2 se divide nahi kiya. And this is the biggest mistake which normally students make it. Okay. जब भी इस प्रोफाइल पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करना नहीं भूलें, वरना वही मिस्टेक होगा जो आपने किया. नो शिवम, इट्स नॉट माइनस पाई बाय 2 ln 2. ओके, दिस इज गिवन एज आई. ठीक, मैंने आपको बताया था जब हमने किंग प्रॉपर्टी डिस्कस किया कि जहां भी फंक्शन x इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस एल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, इस तरह के सिचुएशन में फंक्शन नजर आता है, आप ये किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए. एक्स इंटू सम अदर फंक्शन, सो हियर एक्स इंटू सम अदर फंक्शन, है ना. इसी तरह से डिनोमिनेटर में जब ये आप अप्लाई करेंगे, एक्स को पाई माइनस एक्स करेंगे, आपको ये सेम मिलने वाला है, इजंट इट. तो यहां दोनों सिचुएशन हैं, फंक्शन इस पैटर्न में है और साथ में डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, हमें किंग प्रॉपर्टी लगा देना चाहिए. राइट, सो मेक इट. सो यूजिंग किंग, इट इज रियली अ किंग ऑफ द चैप्टर. जब इतने सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से मैनेज होते हैं और हर दूसरे साल इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है, तो यह किंग ही है. सर्टेनली इट इज किंग. इट इज एंजॉइंग द डिजिग्नेशन ऑफ किंग. दिस इज पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स विल रिमेन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स, इट विल अगेन बी रिटन एज कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स. इज दिस क्लियर? राइट, आई एंड दिस इज आई. सागर तीर्था, यू ऑल्सो डिड द सेम मिस्टेक. यस, जस्ट मेक इट वेरी क्लियर, केयरफुल रहिए. हम इन दोनों को एड कर देते हैं, 2i का रिजल्ट बन जाएगा 0 टू पाई. दिस इज x साइन x, दिस इज माइनस x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x. सो इन द डिनोमिनेटर वी आर गोइंग टू हैव 1 प्लस कॉस स्क्वायर x सिंपली. न्यूमिनेटर में क्या मिलेगा? x साइन x एंड दिस माइनस x साइन x विल गेट कैंसल्ड आउट. हमें मिलेगा सिंपली पाई इंटू साइन x, एंड दिस इज dx. Is it clear to everybody? कोई confusion यहां पर? अब देखिए,
आगे सॉल्व करने का हमारे पास बहुत आसान तरीका है, डिनोमिनेटर में कॉस है, न्यूमेरेटर में साइन है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस ऑफ साइन। तो हमें क्या करना चाहिए, ये पोर्शन इंटीग्रेट कर लेना चाहिए कंसिडरिंग कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। तो जब मैं कॉस एक्स को टी लेने वाला हूं तो दो तरीके हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन दिखाते हुए ले लो, और नहीं तो इस तरीके से काम कर लेते हैं, टू आई इज रिटन एज पाई जीरो टू पाई माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आने वाला है, तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नाउ दिस न्यूमेरेटर बिकम्स डी टी, और डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर, राइट, और इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा माइनस पाई टैन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। व्हाट आई हैव डन, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, ये समझ में आई बात सबको या नहीं, राइट right? तो अब इसमें क्या करेंगे, यस डेफिनेटली यू कैन यूज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन यू कैन सॉल्व। मैंने सब्स्टिट्यूशन ही लगाया है, लेकिन स्टेप्स बचाने के लिए मैंने काम किया है, सब्स्टिट्यूशन को स्मार्ट तरीके से लगाया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब एग्जाम का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमें फास्ट काम होना चाहिए। तो यहां आपको मिला माइनस पाई एंड दिस बिकम्स टैन इनवर्स ऑफ माइनस वन, दिस इज टैन इनवर्स ऑफ कॉस पाई, कॉस पाई इज माइनस वन, सो इट बिकम्स माइनस पाई बाई फोर, माइनस कॉस जीरो इज वन, सो दिस इज टैन इनवर्स ऑफ वन मीन्स पाई बाई फोर, सो हियर विल बी गेटिंग इट एज पाई स्क्वेयर बाय टू, दिस इज द रिजल्ट ऑफ टू आई, मेक इट वेरी क्लियर, दिस बिकम्स पाई इंटू पाई बाई टू, पाई स्क्वेयर बाई टू, लेकिन ये टू आई का रिजल्ट है, डोंट फॉरगेट टू डिवाइड इट बाय टू। और मैंने अभी देखा सागर तीर्था और डीकेवी, आप दोनों ने टू से डिवाइड करने में मिस्टेक कर दिया था, यस, सो इन दिस मैनर विल गेट द करेक्ट आंसर। सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, सो आर यू एंजॉइंग दिस किंग्स प्रॉपर्टी, अच्छे से समझ में आ रहा है किंग प्रॉपर्टी और इसका एप्लीकेशन, तो तुरंत सेशन को लाइक करिए एंड स्प्रेड इट एवरीवेयर, राइट, इसको शेयर कीजिए एंड लेट अदर पीपल कम इन दिस क्लास, उनको भी ज्वाइन करने दीजिए एंड दे मस्ट लर्न दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एंड द सुपर टेक्निक्स टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके, सो एनीवेज इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू टाइम लिमिट ऑफ 1.5 मिनट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस सुचेता, टाइमर मैंने 1 मिनट का सेट कर दिया है, आई विल ऐड 30 मोर सेकेंड्स इफ आई एम नॉट गेटिंग करेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस। यस, बी क्विक एंड गेट द आंसर। ऋषि वेक्टर भी स्टार्ट होगा, अभी पहले एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट करें, सो लेट्स फोकस ऑन दिस चैप्टर राइट नाउ। लास्ट 12 सेकेंड्स, गोइंग टू ओवर, 1 मिनट इज ओवर, ओके, 30 मोर सेकेंड्स, मैं आपको 30 सेकंड और दे रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बट दिस टाइम आई एक्सपेक्ट करेक्ट आंसर्स। यस डियर स्टूडेंट्स, इट्स गोइंग टू ओवर, 1.5 मिनट कंप्लीट होने जा रहा है, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर्स। पाई स्क्वायर बाय 8, फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम डीकेवी, एंड डीकेवी यू डिड अ मिस्टेक अगेन, चेक इट, द करेक्ट आंसर इज पाई क्यूब अपॉन 192। एंड दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, इसमें इतना देर नहीं लगना था, नो शिवम, जीरो इज नॉट द करेक्ट आंसर, ध्यान से देखिए,
अच्छा देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, शिवम आपने आंसर जीरो निकाला, लेकिन मैं ना आपको फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर से एक बात रेगुलरली बोलता आ रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और कुछ नहीं सम है, आप अपने आंसर का क्रॉस वेरिफिकेशन इमीडिएटली कर सकते हैं, जीरो आंसर नहीं होगा ये तो आप तुरंत बोल सकते हैं, 0 to π/2 लिमिट है एंड दिस फैक्टर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, x-π/4 होल स्क्वायर, साइन एक्स इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल, साइन एक्स इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल, कॉस एक्स इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल, मतलब 0 से π/2 में पूरा फंक्शन पॉजिटिव है, कंप्लीट फंक्शन इज पॉजिटिव इन द इंटरवल 0 to π/2, ये फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन द इंटरवल 0 to π/2। तो जब आप पॉजिटिव फंक्शन को पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट जीरो कैसे आ सकता है, यानी जीरो आंसर नहीं होगा, आंसर हैज टू बी पॉजिटिव, ये तो कंफर्म है, यानी आप तुरंत ये चीज चेक कर सकते हैं कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, है ना। आप पॉजिटिव में क्या होगा उसके लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। सो इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से देखिए, अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं किंग, राइट, तो डिनोमिनेटर सेम है होने वाला है, तो किंग अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल मत देर लगाइए, यूजिंग किंग, सो दिस आई कैन बी रिटन एज 0 to π/2, π/2 माइनस एक्स माइनस π/4 होल स्क्वायर साइन π/2 माइनस एक्स, सो दैट कैन बी रिटन एज कॉस एक्स, इन द डिनोमिनेटर वी आर राइटिंग इट एज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। ध्यान से देखिए अब इसको, डिनोमिनेटर्स आर सेम, है ना, न्यूमिरेटर में कॉस एक्स आया है तो मैं इस आई को अभी सिंप्लीफाई और कर सकता हूं, दिस इज 0 to π/2, π/2 माइनस π/4 माइनस एक्स, सो दिस इज π/4 माइनस एक्स होल स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। अब फिर से देखिए, दोनों न्यूमिरेटर्स को अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आप ध्यान से देखिए क्या मिलेगा, दिस इज एक्स माइनस π/4 होल स्क्वायर, दिस इज π/4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग, डिनोमिनेटर में है साइन प्लस कॉस, डिनोमिनेटर में है साइन प्लस कॉस, इसका मतलब जब मैंने इनको ऐड कर दिया तो आपको ऐड करने पर यहां मिलने वाला है 2i इज इक्वल्स टू π/4 माइनस एक्स होल स्क्वेयर अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां साथ में बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, जब हमने ऐड किया तो एक्स माइनस π/4 होल स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन आ गया, और उसके साथ साथ ही ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, सो इफेक्टिवली यस मुकेश योर आंसर इज करेक्ट, ओके पार्था योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, π/4 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज द ओनली फैक्टर विच इज टू बी इंटीग्रेटेड एंड लिमिट इज स्टिल 0 to π/2, लिमिट अभी भी वही है, तो हमें यहां पर क्या मिलने वाला है, अब देखिए π/4 माइनस एक्स, हम सिर्फ इसी फैक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स माइनस π/4 होल स्क्वायर डीएक्स विद इन द लिमिट 0 to π/2, और ये रिजल्ट है 2i का, तो इसको बिना ओपन किए हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स माइनस π/4 होल क्यूब अपॉन 3 विद इन द लिमिट 0 to π/2 एंड दिस बिकम्स π/2 माइनस π/4 मीन्स π/4 होल क्यूब अपॉन 3 माइनस व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट 0 दिस विल गिव यू π/4 होल क्यूब अपॉन 3 और यहां आपको मिलने वाला है प्लस, ओके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको यहां से रिजल्ट मिल जाएगा एक्स माइनस π/4 होल क्यूब अपॉन 3 व्हेन यू पुट π/4 π/2 ओवर हियर तो π/4 माइनस होल क्यूब आपको यहां से मिलेगा और जब जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो ये बन जाता है π/4 होल क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 और ये रिजल्ट था 2i का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको मिला i इक्वल्स टू π³ अपॉन 64 इंटू 3 π³ अपॉन 190। सो इन दिस वे विल मैनेज द क्वेश्चन, ओके यस मुकेश यू रिप्लाइड फर्स्ट, ओके सो यू डिजर्व क्लैपिंग्स, राइट। सो आई सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू बी केयरफुल और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें, ओके सो इन दिस मैनर विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड अगेन आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। And your time starts now.
सॉल्व इट। ओके अभिषेक, सो अल्टीमेटली यू गॉट द आंसर, दैट्स गुड। सो परहैप्स यू माइट हैव गॉन थ्रू द अप्रोच ऑल्सो कि कहां आपने गलती किया था। बी क्विक, लास्ट 50 सेकेंड्स आर लेफ्ट। ओके चुन्नू, व्हाट्स द आंसर? लेट मी रीड योर चैट्स नाउ। टेक जुबेर, इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? जुबेर, अभी इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, सो फर्स्ट विल फोकस ऑन दिस चैप्टर। क्विकली, दिस इज रियली एन अमेजिंग प्रॉपर्टी एंड एवरी ईयर वी गेट द क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रोफाइल। या तो वो इस प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट बेस्ड होते हैं या कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी आगे जाके यूज होती है। लास्ट 5 मिनट्स। नो अभिजीत, इट्स नॉट पाई, टाइम इज अप। योर करेक्ट आंसर इज 8/π². ओके अभिजीत, आई कंसिडर योर सजेशन ऑल्सो, आई चेक द पॉसिबिलिटीज। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। हियर द क्वेश्चन इज अगेन द सेम थिंग, एक्स इंटू सम अदर फंक्शन। ओके ध्यान से देखिएगा, एक्स इंटू सम अदर फंक्शन, इसका मतलब हमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू यूज किंग, यूजिंग किंग। रिमेंबर दिस, यूजिंग किंग, इट शुड बिकम द पंच लाइन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले दिमाग में किंग आना चाहिए कि किंग लगा के देखते हैं, जब उससे मैनेज नहीं हो तो कुछ और सोचेंगे, राइट? तो हम यहां पर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, हमें मिलेगा 0 to π लिमिट है, एक्स विल बी रिप्लेस्ड एज π-x। नाउ जस्ट लुक एट हियर, साइन एक्स इज π-x, सो साइन 2π-θ इज -sin θ, तो यहां माइनस आ जाएगा एंड दिस स्टिल बिकम्स sin 2x। एंड हियर इट इज साइन ऑफ π/2, कॉस π-x इज -cos x, यहां माइनस आएगा। तो हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, इस प्रॉपर्टी को जब हम अप्लाई करेंगे, यस शिवम, 8/π² इज द करेक्ट आंसर, यू आर करेक्ट। ओके, डिनोमिनेटर में मुझे मिलता है 2, इन प्लेस ऑफ x आई एम गोइंग टू राइट π-x -π dx। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है हमें यहां पे, दिस इज i और ये बन जाता है 0 to π इंटरवल में, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, एंड हियर इन द डिनोमिनेटर वी विल बी गेटिंग 2π-π मींस पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x ये डिनोमिनेटर में मिला, और न्यूमिरेटर में मिलता है साइन 2x एंड दिस ब्रैकेट इज स्टिल π-x, साइन 2x इंटू साइन π/2 cos x dx, ये फंक्शन आपका फाइनली बन गया। ओके, यस सागर तीर्थ, यू आर ऑल्सो एब्सोल्यूटली करेक्ट। अब इसके बाद हमें क्या कर देना चाहिए, दिस इज लुक एट द क्वेश्चन, साइन 2x, हियर ऑल्सो वी हैव साइन 2x, साइन π/2 cos x, साइन π/2 cos x, एंड दिस इज 2x-π, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर विल अगेन बी सेम 2x-π जो दिया हुआ था, सेम डिनोमिनेटर आ गया, और न्यूमिरेटर में आपको मिला साइन 2x साइन ऑफ π/2 cos x dx, राइट? और ये जो माइनस हमने कॉमन लिया, उस माइनस से न्यूमिरेटर को बना देते हैं x-π, यहां x था वहां x-π आ गया, क्लियर? अब जरा देखिए, ये 2x-π माइनस कॉमन ले चुके हैं, यहां पर अब आपको क्या मिल रहा है, हियर इट इज साइन 2x साइन π/2 cos x इंटू एक्स, यहां 2x-π हमने माइनस कॉमन ले लिया था, और यहां से अब आपको फाइनली एक्स कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 2i का रिजल्ट हमें मिल जाएगा, डिनोमिनेटर विल बी 2x-π साइन 2x इंटू साइन ऑफ π/2 cos x dx, ये पार्ट हमें एज इट इज मिल रहा है, और इसके साथ साथ आपको मिला दिस x-π
प्लस दिस एक्स, यानी हमें यहां न्यूमिरेटर में मिला 2x माइनस पाई। ये 2x माइनस पाई से 2x माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा और जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो अब हमें सॉल्व करना है विद इन द लिमिट 0 टू पाई। क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, अभिजीत इज आस्किंग कौन सी लेक्चर में ये पढ़ाया सर, क्या बोर्ड में ये यूज कर पाएंगे? बिल्कुल आप बोर्ड में यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आप ये मत बोलिएगा कि यूजिंग किंग, आपको डिफाइन करना होगा दैट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, आज के ही लेक्चर में पढ़ाया है, आप थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो किंग वर्ड यूज नहीं करेंगे वहां पर, बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये काम कर लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, दिस इज साइन टू एक्स एंड दिस इज साइन थीटा। अब मैं साइन थीटा को तो इंटीग्रेट कर सकता हूं, साइन पाई बाय टू कॉस एक्स को नहीं कर सकता, तो पाई बाय टू कॉस एक्स की जगह हम सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। सो लेट अस यूज अ सब्स्टिट्यूशन, लेट पाई बाय टू कॉस एक्स डी ए इक्वल्स टू टी, इसको टी ले लिया जाए। सो दिस गिव्स मी माइनस पाई बाय टू साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब आप न्यूमिरेटर को देखो ध्यान से, यहां से साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा, तो मैं इस आई को अब लिख देता हूं 0 टू पाई 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाय 2 कॉस एक्स एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज 1 सिंपली डी एक्स, राइट। अब इस जगह पर हमें ये टर्म t बन गया, साइन एक्स डी एक्स के साथ मिलकर डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन डी एक्स डी टी। यानी हमें फाइनली क्या मिलेगा वो देखिए ध्यान से, हमें मिलने वाला है 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई 2 विल रिमेन एज इट इज साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स विल बी रिटर्न एज माइनस 2 अपॉन पाई डी टी, साइन एक्स डी एक्स इज 2 डी टी अपॉन पाई विद नेगेटिव साइन, और साथ में कॉस एक्स बचा, कॉस एक्स की जगह पर हम लिखेंगे 2 टी अपॉन पाई, सो 2 टी अपॉन पाई। Is it clear? And this becomes sine of t, sine t. यानी हमें इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, I का रिजल्ट आया 0 टू पाई 2 इंटू 2 4 विद नेगेटिव साइन, और जब हमने सब्स्टिट्यूशन लिया तो लिमिट हमें चेंज करना होगा, सो व्हेन x इक्वल्स टू 0 दिस लोअर लिमिट विल बी पाई बाई 2, x इक्वल्स टू 0 cos विल बी 1, सो दिस इज पाई बाई 2, this is pi by 2 and at x equals to pi this becomes minus pi by 2, so upper limit is minus pi by 2 and lower limit is pi by 2 and this is 2 into 2 4 with negative sign and here it is t sin t dt upon pi square. Is this clear to everybody? Yes, limit change आ जाएगा और अब हमें मिल जाएगा माइनस, माइनस साइन है, हम चाहें तो माइनस से इंटरचेंज करके माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 कर सकते हैं, और हम इसको माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 न भी करेंगे तो भी ये आपको करेक्ट आंसर देगा, माइनस पाई, दिस इज पाई टू पाई पाई बाई 2 टू पाई, यहां मिलता है 4 अपॉन पाई स्क्वायर टी साइन टी डी टी। यानी अल्टीमेटली हमें अब जो इंटीग्रेशन करना बाकी है वो केवल टी साइन टी का बाकी है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज टी साइन टी, और ये जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ये एक बार जेई एडवांस में पूछा जा चुका है, राइट। दिस वॉज द क्वेश्चन, माइनस साइन से हमने लिमिट इंटरचेंज कर दिया, अपर लिमिट वॉज माइनस पाई बाय 2, 4 अपॉन पाई स्क्वायर टी साइन टी, सो दिस इज 4 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 टी साइन टी, बाई पार्ट्स अप्लाई कर देंगे, इवन ऑड फंक्शन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं शिवम आप, लेकिन अभी हमने इवन ऑड का प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं किया इसलिए मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूं, जो चीज मैंने आपको पढ़ा दिया मैं वही यूज कर रहा हूं, एंड दिस इज माइनस साइन टी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। नेक्स्ट क्लास में वो प्रॉपर्टी कवर हो जाएगी इवन ऑड की, उसके बाद फिर हम इस तरह के क्वेश्चन को इवन ऑड प्रॉपर्टी से भी मैनेज करेंगे। पाई बाय 2 पर ये 0 हो जाएगा एंड दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, सो इट इज प्लस 1 माइनस, पाई बाय 2 पर ये फिर से 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड दिस टाइम इट इज माइनस माइनस पाई बाय 2, सो दिस विल बी प्लस 1, सो दिस बिकम्स 2 अपॉन पाई स्क्वायर। सो इन दिस वे मैं यहां पर इसको यूज कर लूंगा, सो हैव यू गॉट द करेक्ट आंसर, इस तरीके से ये क्वेश्चन मैनेज कर लिया जाए, दिस इज 8 अपॉन पाई स्क्वायर 4 प्लस 2 4 इंटू 2 8 अपॉन पाई स्क्वायर।
राइट right? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आ गया समझ में? और ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है एक बार। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 1.5 मिनट्स टाइम, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, दिस क्वेश्चन ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन जेई एडवांस्ड। जो एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, उनमें कैलकुलेशन भी थोड़ी सी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, और अभी अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो जेई एडवांस का क्वेश्चन था, जेई एडवांस में आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एक बार जेई मेन में पूछा जा चुका है और एक बार जेई एडवांस में पूछा जा चुका है। अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, एडवांस में अलग फॉर्मेट में पूछा गया और मेंस में अलग फॉर्मेट में पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ कोई ईयर नहीं दिया। मैं भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके बाद बताता हूँ कि जेई मेंस में कैसे पूछा गया था और एडवांस में कैसे पूछा गया था। अभिजीत, यू आर आस्किंग सब्स्टिट्यूट करूँ क्या? आप सजेस्ट करिए कि क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो सकता है, थिंक ऑफ इट कि सब्स्टिट्यूशन लिया जा सकता है क्या। नो शिवम, इट्स नॉट जीरो। शिवम आपको अभी अभी मैंने बताया था, दिस इज लास्ट 5 सेकेंड्स गोइंग ऑन, 1.5 मिनट मैंने आपको इस काम के लिए दिया था, इस क्वेश्चन के लिए। शिवम अभी अभी मैंने आपको समझाया था आंसर इसका जीरो नहीं हो सकता। आप इस फैक्टर को देखिए, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए टैन इनवर्स का रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है, और जब रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो फिर सम नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सम ही तो है ये। पॉजिटिव क्वांटिटीज को जब आप ऐड करेंगे देन रिजल्ट हैज टू बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। ओके, चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए यहां, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मुझे कोई क्लू समझ में नहीं आ रहा कि क्या यहां किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया जाए। अगर मैं किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रही है इस फैक्टर पे, बिकॉज आई विल रिप्लेस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, तो एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करने में ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं किया तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इनवर्स आ गया, इनवर्स आने का मतलब है कि हमें बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम उससे बचने के लिए पहले एक काम करें, ये जो फैक्टर दिया हुआ है इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहां मिलेगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। कैन आई राइट इट लाइक दिस? ये फैक्टर था जो आपको दिया हुआ था। अब आप जरा देखिए किंग का एप्लीकेशन समझ में आ गया। किंग का एप्लीकेशन क्यों समझ में आया? आई विल रिप्लेस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, इसकी जगह x आ जाएगा और इसकी जगह 1 माइनस एक्स आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। सो हियर आई विल अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी। आ गई बात समझ में? और जैसे ही मैं किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, ये क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर बिकम सेम यूजिंग किंग, राइट? तो ये बन जाता है i, दिस इज i 0 to 1 tan इनवर्स 1 upon 1 minus 1 minus x into x dx। आपको क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया हुआ था वहां देखकर लगा नहीं था कि किंग लग जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने इसके फैक्टर्स किए आपको समझ में आ गया कि किंग लग सकता है यहां तो, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम, दोनों केसेस में डिनोमिनेटर सेम हो गया, हमने किंग अप्लाई कर दिया। लेकिन अब आगे क्या करें? किंग तो अप्लाई कर दिया, मगर आप इस जगह ध्यान से देखिए, हमें कुछ एडिशनल फायदा हुआ नहीं। फायदा कैसे नहीं हुआ? क्योंकि हम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी कॉम्प्लिकेसी बनी हुई है, है ना। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करने के बारे में बात करते हैं। ये जो वन है, इस वन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? जल्दी से बताएं यहां पर कितने लोग ये कहेंगे कि वन को मैं डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में अरेंज कर सकता हूं। दिस इज 1 माइनस एक्स एंड एक्स, और यहां मुझे मिला हुआ है 1, तो मैं इसको 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस, ये जो 1 माइनस एक्स है और यहां x है, इसके फैक्टर्स करने के बाद 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ऐसे करके दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं? लुक एट हियर, ओके।
आप देखिए यहां पर कि क्या न्यूमेरेटर वाले वन को ऐसे लिखा जा सकता है। न्यूमेरेटर में आपको वन दिया हुआ था और उस वन को हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया, दिस वॉज वन इन द न्यूमेरेटर, और वन को हमने ऐसे लिख दिया। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ? ऐसे लिखने से फायदा ये हो गया कि ये बन जाता है टैन इनवर्स, यहां आपको टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी का फॉर्मूला मिल गया। सो दिस इज टैन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। लुक एट हियर केयरफुली, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो ये तो दो इंटीग्रल्स में टूट गया, और ये दोनों इंटीग्रल्स सेम हैं, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर आप इसमें किंग लगा देंगे तो ये बन जाएगा, और अगर आप इसमें किंग लगा देंगे तो ये बन जाएगा। बनेगा या नहीं जल्दी से बताइए। इफ आई अप्लाई किंग इन दिस प्रॉपर्टी इन दिस फंक्शन इट विल लुक लाइक दिस, एंड इफ आई अप्लाई किंग इन दिस केस देन इट विल लुक लाइक दिस। यानी कि ये दोनों इंटीग्रल्स सेम हैं। आगे बात समझ में? अब अगर ये दोनों इंटीग्रल्स सेम हैं तो ये बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ जीरो टू वन टैन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स, एंड हियर वी हैव यूज्ड किंग्स प्रॉपर्टी। टू टाइम्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये जय एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है जिसको अभी हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। टू टाइम्स जीरो टू वन टैन इनवर्स एक्स, एंड दिस इज आई। यहां आकर वापस से हमने किंग लगाया, हमने यहां भी किंग लगाया लेकिन इस जगह में कोई हेल्प नहीं मिला, तो हम इसको वन को ब्रेक करके और दो टुकड़ों में काम कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, है ना? अब अगर ये दोनों सेम हो गए, अब जीरो टू वन टैन इनवर्स एक्स, इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बाय पार्ट्स, राइट? बाय पार्ट्स अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो हियर इट इज आई जीरो टू वन tan inverse x dx into 2, this is 2 times of x tan inverse x within 0 to 1 minus x upon 1 plus x square dx within 0 to 1. This is 2 times tan inverse 1 is pi by 4 minus 0 minus 2 se multiply divide kar denge, this remains this, and this is ln 1 plus x square within 0 to 1. राइट और यहां से आपको मिल जाएगा पाई बाई टू माइनस वन बाई टू इंटू टू एल एन टू। सो फाइनली द आंसर बिकम्स पाई बाई फोर माइनस एल एन टू, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू पाई। तो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था उसका इफेक्टिव सॉल्यूशन यहां से शुरू हुआ है, गॉट इट? ये वाला पोर्शन हमारे लिए यूजफुल नहीं रहा। तो आनंद आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये तो केवल वो थॉट प्रोसेस है जो आपके दिमाग में आना चाहिए था, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। इफेक्टिवली सॉल्यूशन आपको यहां से शुरू करना है, और इस तरह से इसको आप यहां आकर किंग यूजफुल हुआ, और वन को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा, एंड दिस इज फाइनली पाई बाय टू माइनस एल एन टू। और ये जेई एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेई एडवांस, और जेई मेंस में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जेई मेंस में जिस तरह से पूछा गया था वो मैं आपको बताता हूं। जेई मेंस में यही क्वेश्चन इस पैटर्न में पूछा गया था। आपको लगेगा कि सर ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन तो डिफरेंट है, लेकिन ये और वो डिफरेंट नहीं है, दीज आर एब्सोल्यूटली सेम। पाई दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ 2019, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है ये, 2019 में ये क्वेश्चन आया है। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक बार जरा देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन के साथ कोरिलेट कर पाते हैं या नहीं। राइट करण, यस जस्ट बी क्विक, जल्दी से ट्राई कीजिए। यस दीज आर बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस, एब्सोल्युटली सेम क्वेश्चंस, दोनों सेम है। आप अपना आंसर बताइए, क्या निकाला आपने डीकेवी, देन आई डिस्क्लोज द आंसर। यस एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिए, बिल्कुल सही है। ए
pi by 4 ln 2. Yes. Yes. Pi by 4 minus half ln 2. Okay, let's try this. कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो देखिए, यहां x स्क्वायर x पावर 4 एंड दिस इज x. सो लेट्स डू वन थिंग, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए एंड देन इट बिकम्स x स्क्वायर इक्वल्स टू t ले लेंगे तो आपको dx मिल जाता है 1 by 2 0 to 1 2x dx will become dt and this is cot inverse of 1 minus x square plus x to the power 4 dx. And this can further be written as 1 by 2 0 to 1 tan inverse of 1 upon 1 minus in place of x square will be using t. This is 1 minus t प्लस टी स्क्वायर डी टी. हमने एक्स स्क्वायर को टी ले लिया तो 2x dx dt में कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर डी टी एंड दिस इज द सेम क्वेश्चन विच जस्ट कंप्लीटेड एंड दिस वॉज पाई बाई 4 माइनस एल एन 2. और अब हमें यह मिलता है 1 बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एल एन 2. So here it is something 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था. ये क्वेश्चन जो अभी अभी हमने सॉल्व किया है ये सेम वही क्वेश्चन हो गया. दिस इज 1 बाई 2 0 टू 1 टैन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर डी टी. और ये सेम क्वेश्चन वही है जो अभी अभी जस्ट हम सॉल्व कर चुके हैं. ये क्वेश्चन राइट सी पाई बाई 4 माइनस एल एन 2. ये सेम क्वेश्चन हमने किया है एंड दिस टाइम इट इज 1 बाई 2 राइट. सो परहैप्स विल यूज दैट आंसर एंड विल कंक्लूड द फाइनल आंसर फ्रॉम हियर. सो हमद व्हाट्स योर आंसर नाउ? सी. यस सी इज द करेक्ट आंसर. अभिषेक योर आंसर इज बी. नो इट्स सी. दैट्स करेक्ट. सो सी बिकम्स द करेक्ट आंसर. ये सेम क्वेश्चन अभी अभी हमने जस्ट वहां पर सॉल्व किया है. क्लियर टू एवरीबॉडी? आ गई बात समझ में? तो हम इस किंग प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. बहुत वाइजली यूज करना है. 0 टू a लिमिट रिप्लेस x बाय a माइनस x. यस करंट सी इज द करेक्ट आंसर. गेटिंग इट? और साथ में अगर a टू b लिमिट है तो f ऑफ a प्लस b माइनस x से रिप्लेस कर देंगे. यस हमद नाउ दिस इज करेक्ट. सो सी बिकम्स द फाइनली करेक्ट आंसर. क्लियर टू एवरीबॉडी? ये बात आई समझ में सबको? यस सुचेता विवान यू ऑल आर गेटिंग करेक्ट आंसर. एब्सोल्युटली फाइन. और ये क्वेश्चन 2019 में आया है. सेम क्वेश्चन दो बार आ चुका है. जेई मेंस में भी पूछा हुआ है, जेई एडवांस में भी पूछा हुआ है एंड दिस इज अ वेरी गुड प्रोफाइल. तो ये किंग्स प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है डियर स्टूडेंट्स. और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके सो टुडे वी आर क्लोजिंग द सेशन एट दिस मोमेंट. यहीं रोकते हैं इस सेशन को और अगली क्लास में हम आगे बढ़ते हैं. कल की क्लास में संडे को जो हमारी एक मेगा क्लास होने वाली है उस मेगा क्लास में हम 1.5 आवर ड्यूरेशन का क्लास रखेंगे और हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन लेवल, वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ जेई एडवांस लेवल एंड फ्यू चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऑल्सो. तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा. इसलिए आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे लेक्चर्स, ऑल लेक्चर्स आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट ऑन द सेम चैनल. इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं. उन सारे लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करके आइए और उन लेक्चर्स पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कल के लेक्चर में मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस नहीं दूंगा क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करना चाहते हैं. मैं आपको सॉल्यूशंस बताता जाऊंगा और फाइनली उनके फाइनल सॉल्यूशंस भी आपको पीडीएफ में डाउनलोड करने को मिलेंगे. सो वी विल बी वेरी फास्ट और टाइम लिमिट में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे. राइट सो डोंट मिस टुमोरोज क्लास. विश यू ऑल द बेस्ट. गुड बाय. सी यू टुमोरो.